उदयपुर जिले के गोगुंदा बस स्टैंड पर मारवाड़ ई मित्र व SBI बैंक बीसी के नाम से संचालित बैंक बीसी पर क्षेत्र की आदिवासी गरीब महिलाओं व पुरुषों के साथ बैंक कियोस्क व उसकी बहन ने धड़ल्ले से लूटपाट मचा रखी है, लेकिन बैंक के अधिकारी की नजर इस बैंक बीसी पर नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने गाँव में लोगों की सहूलियत के लिए बैंक बीसी अपॉइंट कर ID आवंटित कर रखी है, ताकि लोगों को बैंक में जाकर लंबी लंबी कतारों में खड़ा नहीं रहना पड़े और उनका काम आसानी से हो जाए। लेकिन इसके विपरीत बैंक बीसी जमकर आदिवासी गरीब अनपढ़ लोगों से पैसे लूट आलिशान महल बना रहे हैं। अब चलते हैं अपनी खबर की ओर। बैंक बीसी के यहाँ 17 मई को सीवड़िया निवासी राधापति सुरेश गमेती अपने समूह लोन की किस्त के 10,000 रुपया निकलवाने आई थी, जहाँ मौजूद ऑपरेटर ने महिला से अंगूठा लगवाकर उसके खाते से 10,500 रुपये निकाल लिए और महिला को मात्र 10,000 रुपये ही दिए। उसके बाद महिला पुनः अपने घर चली गई, लेकिन आज महिला पुनः अपने पति के साथ किस्त निकलवाने के लिए गोगुंदा कस्बे पहुंची, जहां अन्य बीसी के पास से पैसे निकलवाए और स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट में 17 मई को हुए ट्रांजैक्शन में 10,000 के बजाय 10,500 रुपए विड्रॉल किए पाए गए। राधा गमेती ने बताया कि पति के साथ बीसी के पास पहुंची, 500 रुपए ज्यादा निकलवाने के बारे में पूछा तो बीमा राशि कटने का बोल गोलमाल जवाब दे दिया, जबकि राधा ने बताया कि मैंने कोई बीमा नहीं करवाया है, उसके बावजूद मेरे खाते से बिना जानकारी के 500 रुपए निकाल लिए। आपको बता दें कि पीड़ित आदिवासी परिवार का अनपढ़ होने की वजह से मौके से स्टेटमेंट और डिटेल नहीं देख पाया, इसलिए उसे आज इस बारे में जानकारी हुई। बैंक बीसी निशा गहलोत के खिलाफ पूर्व में भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं, जिससे गरीब लोगों को बिना जानकारी के बीमा करना, डायरिया रखकर प्रिंट करने के पैसे लेना और सबसे बड़ा घोटाला जब उजागर हुआ, एक महिला के खाते से 10,000 रुपए निकाल लिए, उसके बाद उस महिला ने एक साल तक उसके चक्कर लगाए, लेकिन बैंक कियोस्क उसके डरा धमका कर वापस भेज देती थी, जिसके कारण उस महिला ने श्रम सारथी एसोसिएशन की शरण ली। श्रम सारथी के किशन ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा, लोकपाल में शिकायत दर्ज करवाई और मामला थाने तक पहुंचा, जिसके बाद पब्लिक वाइफ पर खबर देखने के बाद बैंक बीसी निशा गहलोत के होश उड़ गए और उस महिला के घर जाकर माफी मांगी और उसे 10,000 प्लस मामला दबाने के लिए ऊपर से रुपए चुकाए, लेकिन उस वक्त भी अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते इसके हौसले बुलंद हो गए। वहीं बैंक मैनेजर पंकज गोयल ने इसे मानवीय भूल बताते हुए गरीबों से लूटपाट करने की पूरी जांच दे दी है। अब गोगुंदा के अच्छे व समझदार नागरिक अब भी नहीं जागेंगे तो ये दोनों बहनें मिलकर गरीब अनपढ़ असहाय लोगों की मेहनत की कमाई लूट लेंगे। यहाँ के सभी नेता आदिवासी हैं और आदिवासियों के साथ हो रही लूटपाट पर क्यों चुप हैं? इन्हें आगे आकर इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। नाम हमारे को पता नहीं है। हाँ, तो क्या हुआ था, पूरी बात बताओ। पूरी बात, पैसा निकालने गए थे, 10,000 रुपया निकाला था, उसने 10,500 निकाला, मेरे को 10,000 ही दिया था, 500 रुपए ज्यादा निकाल लिया। हाँ, 500 रुपए ज्यादा निकाल दिया। तो फिर आपको कैसे पता चला इस बारे में? मैं डायरी एंट्री कराई थी, फिर पता चला इतना पैसा कैसे कट रहा है। फादर साहब खुश हूँ, मैडम कही बीमार कट गया, मेरे को बीमारी में है ही नहीं, कटू कट गया। मैडम आप शांति रखिए, पहले भी आपने एक बार 10,000 निकाल दिए, घर पे जाके 12-15,000 रुपए देके आए, कैसे क्या मामला ये? नहीं, वो तो लिखित में था ना, वो तो था ना, थाने में मामला दर्ज हुआ था। हाँ, किस तरह चलेगा ये गोगुंदा? हाँ, नहीं नहीं सर, हाँ तो कर देना आप जो कर। अच्छा, तो आप इस तरह में बैंक से भी आप कुछ नहीं बताएंगे यहाँ पे? हाँ, बस इससे। लोकल न्यूज़ वीडियो के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।